ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। प्रदेश में दबंग व मजबूत कहे जाने वाले काबीना मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत इतना कमजोर क्यों दिखाई दिए? ऐसा ही वाक्य हुआ जब एक दिन पूर्व में राजधानी देहरादून के एक निजी चैनल ने बकायदा मंत्री जी से समय लिया था, जिसके बाद चैनल ने अपनी तैयारियां शुरू की थी और चैनल ने इस महा डिबेट के लिए बकायदा पोस्टर भी छपवाए। लेकिन हद तो तब हो गई जब डिबेट की निर्धारित समय सीमा पर चैनल ने मंत्री हरक सिंह से डिबेट शुरू होने से ठीक पहले बात कर उन्हें लाइन पर आने की सूचना दी, जिस पर मंत्री जी ने चैनल को जोड़ने की कंफर्मेशन भी दे दी। लेकिन डिबेट शुरू होने से एन वक्त पहले डॉक्टर हरक सिंह ने अपना संपर्क हटा दिया, जिसके बाद लगातार न्यूज चैनल की तरफ से मंत्री जी से संपर्क करने की कोशिश होती रही, परंतु मंत्री हरक सिंह रावत ने ना ही चैनल को फोन करके मनाही की और ना ही डिबेट पर नहीं आने की किसी भी प्रकार की सूचना दी। आखिर डिबेट शुरू होने से एन वक्त पहले काबीना मंत्री का डिबेट से पल्ला झाड़ना अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर डॉक्टर हरक सिंह रावत की डिबेट से पीछे हटने की क्या मजबूरी थी? या मंत्री जी को होने वाली डिबेट का पता चल चुका था और हो न हो मंत्री जी निजी चैनल पर होने वाली डिबेट में गैरसैंण के मुद्दे पर कुछ भी बोलने से बचना चाहते थे, यही वजह थी या फिर कुछ और वजह जिससे काबीना मंत्री ने डिबेट पर आने के बजाय अपना पल्ला झाड़ने में ही अपनी भलाई समझी? ये तो डॉक्टर हरक सिंह रावत ही बेहतर बता सकते हैं। देहरादून से श्रमिक मंत्र के लिए स्टोरी हेड आलोक शर्मा की रिपोर्ट।